वैसे मैं ग्रीन कलर की शाइनिंग होगी, रेड ग्रीन ये करती हूँ मैं लेकर आती हूँ। अब तो सब कुछ हो गया ना, कुछ नहीं है ना पार्टी। साड़ी हमने निकाली थी, गंदी की हमने वो करी थी, पैक करी थी, व्हाइट और रेड वाली बोल रहे हो ना, इसको बोल रहे हैं देखो ये फोन में लगे हैं मम्मा। व्हाइट रेड कौन सी साड़ी है जो मन्नी को देनी, वो तो उसके साथ को दे दी। मन्नी की कौन सी साड़ी लेके जा रही है? ये जो ब्लॉग पिंक आया वो जयपुरी। हाय मजे, हाय हाय मजे। वो उधर ना पड़ी क्या ढोल भार से गुजरे हैं क्या लेना मस्त सब हो गया हमने जाए। मैं चंदू की दुकान पे जा रही हूँ पैक करवाने, ठीक है? चंदू की दुकान पे वो भी वापस करना है आपको, तो लेके आए उठा के तो फिर यहीं पे रुको ना लेकर आएंगे। अभी जब तक वो लेके आएगा हम कपड़े निकाल रहे हैं, लेके जाऊंगी मैं साथ में। देखो वीडियो में वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे सती व्लॉग्स। एड्रेस तो नहीं है, दोबारा बोलते हैं। हाय गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे सती व्लॉग्स। आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी, कैसे देखें? हाँ ठीक है, खुली, अब खुली है। तो रिसेप्शन डे, ओके, आज है रिसेप्शन। देखकर आपको मुझे लग नहीं रहा होगा, हाँ, क्योंकि मुझे सर धोना है सारा, वो है वैक्स लगाते हैं ना, पर मेरा जो बन करा था गौरव ने उसके लिए मेरा बिल्कुल बन वाला स्लीक वाला लुक बन का करने, क्या बोल रही हूँ यार, स्लीक बन लुक करने के लिए गौरव ने वैक्स लगाई थी। आंखें नहीं खुल रही हैं यार, एक मिनट दोबारा करती हूँ। हाँ अभी यहाँ पे ठीक है, थोड़ा ऐसे ठीक है। हाँ हाय अंजू आंटी, कैसे हो? हाय कर दो सबको, बाय। मैंने बोला हाय कर दो, कहती बाय सबको। वाह ये भी सही था वैसे। सो हेयर स्टाइल करने के लिए वैक्स लगाई थी गौरव ने, और मैंने कल ऑयल करवा लिया था थोड़ा सा, तमन्ना से कि ये सब हेयर स्टाइल में ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बस तो मेरे हैं बट और हो जाएंगे, ऑयल से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बट फिर भी दिल की तसल्ली के लिए मैं मुझे आगे शैम्पू करना भी जा रही हूँ। थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम है, मन्नी का मेकअप करने के लिए निकलना है, जिसमें अपने मन्नी ने आज बन करना है, उसमें गजरे चाहिए, गजरे लेने हैं। मायरा की कल परसों मंगवा ली थी मैंने इनर अंदर पहनने की पिंक, मैं भूल गई आज एक ग्रीन कलर पेस्टल ग्रीन ड्रेस है उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि शाम को ठंड होती है, वैसे ही मायरा को थोड़ी सी ठंड लग रही है, सांस फूल जाता बोलते बोलते। तो वो लेने जा रहे हैं दीपू और मैं, और दीपू को मायरा को थोड़ा सा ना जुकाम हो गया है, क्योंकि भाई भागती है फिर एसी में खेलना कूदना डांस करना, ठंडी की सर्दी गर्मी हो गई है उसको, तो थोड़ा सा ना कोल्ड हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो मायरा को मायरा की दवाई लेनी है, वो भी है। क्या बोल रहे हो यार, मैं कल मेरी स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा ऑयली हो रहा है, तो स्किन सेबम ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो सेबम ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे ओपन पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने ब्रेकआउट एंड व्हाइटेड ब्लैकेट भी हो जाते हैं। बाकी आप मेरे स्किन पे एग्जांपल देख ही सकते हैं। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक्ने व्हाइटेड और ब्लैकेट्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सो ये है डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। सो अब मैं फटाफट से फेस वॉश कर लेती हूँ। सो गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया है, और अब अच्छे से फेस को ड्राई करने के बाद अब मैं यूज कर रही हूँ ये डर्माकोका 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। इस सीरम की 3 to 5 ड्रॉप्स हाथ पे लेंगे एंड जेंटली फेस पे मसाज करेंगे, जब तक सीरम स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, और बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हो। अगर गाइज आप भी मेरी तरह ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स एंड एक्ने ब्रेकआउट से परेशान हो, तो आप अपने नॉर्मल फेस वॉश को इस फेस वॉश के साथ रिप्लेस कर सकते हो, और बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इन दोनों को साथ में यूज कर सकते हो, मतलब सीरम और फेस वॉश को। सो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों प्रोडक्ट्स के। और गाइज एक और चीज, अगर आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा ये कूपन कोड SESSY2022 यूज कर सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। बेस्ट पार्ट इज द डर्माको ब्रांड इज डिजाइन्ड बाय डर्माटोलॉजिस्ट। सो हम फटाफट से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मम्मा गुंजन जा रहे हैं यहाँ पे मन्नी के लिए प्रेस लेने स्टीम आई थी, मैं जा रही हूँ जस्ट मायरा के लिए इनर देखने किड्स वर्ल्ड। चलो मेरी हालत देख लो, मम्मी के लिए आज गिफ्ट्स लेके जाने हैं, उसमें हम एक स्टीम प्रेस भी दे रहे हैं, वो मम्मा ने ले लिया पीछे, वो देखो बिलिंग करवा रहे हैं। अब हम मुझे मन्नी के गजरे लेने हैं स्टाइल के लिए, और हमने
क्या लिया था रेंट पे, पानी पी लो, वो ली थी ना जागो, वो डंडा जागो वाला, वो हमें वापस करने क्योंकि हमने वो रेंट पर ली थी, बहुत बड़ी जागो थी, हम चांदनी चौक से लाना भूल गए थे, वो रिटर्न करनी है और चंदू से हमें पैकिंग करवाने हैं गिफ्ट्स। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, पता है आप लोगों को व्लॉग मिल रहे हैं, मैं कैसे व्लॉग एडिट कर रही हूँ, कल मेरे साथ इतना बड़ा सीन हो गया, मैंने पूरी वीडियो एडिट करी मेहंदी की और मुझसे वो गलती से डिलीट हो गई, मैं इतना रोई नींद में, मैं मुझे पता मैंने कैसे एडिटिंग करी, मैंने एडिटिंग करी और मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया, मैं सो गई, फिर थोड़ी देर बाद मेरी एकदम से आँख खुली, फिर मैंने फिर उठकर फिर एडिट करी, फिर मेरे को इतनी नींद आई बर्दाश्त नहीं होती, बार बार आँखें बंद होती, और मैंने क्या करा, मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया, मैं कभी अलार्म नहीं लगाती क्योंकि मुझे अलार्म पसंद नहीं है, मुझे एकदम से अलार्म बजे सोते हुए, मैं फ़ोन बंद करा, मैं सो गई, एयरपोर्ट निकाले, साइलेंट करा फ़ोन और मैं सो गई, और सुबह मेरी अपने आप आँख खुल गई, 6-7 बजे उठी, नींद में पूरी आँखें सूज रखी थी मेरी, उठी फिर एडिट करी, फिर 9 बजे फिर सो गई, फिर 10 बजे उठी हूँ, हाय। और अभी मेहंदी के 2 पार्ट और हैं जो आएंगे, शायद जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक तो आ ही गए होंगे, 3 ब्लॉग बन गए, 3 बहुत लंबा ब्लॉग बन गया था क्योंकि चूड़ा चढ़ाने की रस्म भी वही हुई थी, फिर जागो, तो ब्लॉग काफ़ी लंबा बन गया था। चलो अब चलते हैं, फटाफट से सारे काम करते हैं, और रिसेप्शन का भी मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं कुछ भी, क्योंकि जो जो मैं शूट कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। बट कुछ बोलना मत, अब मैं पर्ची भूल गई हूँ, कोई बात नहीं ना, देखा आंटी ने बोल दिया, कोई बात नहीं, मेहनती बच्चे, तेरा डायलॉग मेरे उसमें आ गया। भाई ये कैसे ला रही है तू, सब कुछ गिर गया भाई। मायरा के लिए तोता लेने का जो बोलता है, मिर्ची भी खाएगा, मायरा भी तो तोते ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स, ठीक है। कहाँ गए भैया, मैं जितना सोच रही कम चलना पड़े, आप उतने दूर। ये कार्तिक के और मन्ने के कपड़े जो आज हम रिसेप्शन पे लेके जाएंगे, और भी चीजें गिफ्ट्स, अरे फ्लावर इसमें नॉर्मली लगेगा, वो जो ऊपर से अलग रिबन, हाँ अलग से ही, तो फ्लावर कौन सा लगाओगे, वो सिल्वर दिखाओ कौन सा। 6 लड़ी दे दो, कितने की है आपके लिए, हाथ में बांधने के लिए गजरा लूं क्या करने है, सूंघ के वोट फेंकने के, ये मन्नी के जूड़े के लिए गजरे बन रहे हैं। गाइस समय का ध्यान रखते हुए हम चारों बनाएंगे अब गजरे, 2 भैया बनाएंगे, 2 हम दोनों बनाएंगे गजरे, वही देखो भैया ने कितनी बड़ी दी है। देखो मैंने इतना बना दिया, और नीचे करो, और मैंने बस इतना ही लगा, और नीचे लगा पूरा इतना, वैसे नहीं ये और लो, ठीक है, और लो ज्यादा भी इतना कि पहले जब तरफ धागा चाहिए ना, तो मेरी तो स्पीड ही बहुत स्लो है। गाइस हम लोग गजरे बना रहे थे, मैं और गुंजन टाइम ना लगे, अभी जसमीत का फोन आया, मारा को चोट लग गई और पे खून आ रहा है, वैसे ही उसको थोड़ा सा कोल्ड था, वो बहुत रो रही है, तो मास्टर जी पे जाना था, मम्मी और गुंजन को हमने उतारा है, वो लोग ऑटो करके मास्टर जी पे जाएंगे, मम्मी को अपने सूट की कुछ करवाना था जो शाम को पहनना है, अब मैं और दीपू जल्दी से घर जा रहे हैं, देखे उसको क्या लगी है, कितनी लगी है, ज्यादा नहीं लगा है वैसे तो, दिखाना टच नहीं करो मारा, अरे छीनी जा रही सबसे, अरे अबे वो भी बोल, शुक्र है मायरा को ज़्यादा नहीं लगी, उसको होंठ पे ही थोड़ी सी लगी है, तमन्ना भी रोने लग गई, जसमीत बता रही है इतना डर गई थी, मायरा को बहुत ज़्यादा वो करती है यार, बट ठीक है अभी, बस ये है कि वो कुछ खाएगी तो उसको जलन होगी, वहाँ अभी सो जाए तो मैं उसको बोरवेल लगा दूंगी, बार बार वही ना दांत से
ऐसे ऐसे कर रही हूँ उसको, स्वेलिंग होगी थोड़ा सा, सूज गया ना तो उसको फील हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर अब मैं घर आ ही गई हूँ तो नहा लेती हूँ। तूने क्यों रो रो के बुरा हाल कर लिया? इसने ना बिस्किट फेंक दिया ब्राउनी को, फिर ये बोलती है तम्मा दीदी, मैं हाँ जी क्या हुआ, वही खड़ी थी मैं तो, मैं ये बोलती है मम पीना, मैंने बोला एक मिनट ये फिर रुको मैं मम लेके आती हूँ। मैं गई हूँ किचन में, बस वो गिलास निकाला ही है पानी खोलने जा रही थी, इतने में ये पता नहीं कुर्सी के पास क्या करना है, ये गिरी है, दांत लगा है, क्या हुआ है क्या नहीं, एकदम से गिर गई। मेरे को लगा फिर मैंने मारा, ये रोने लगी, मेरे को लगा कि गिर गई इसलिए रो, फिर मैं भाग के गिलास रख के मतलब क्या हुआ देखो तो खून निकलने लगा। हाँ जी भाभी चाय पी के लगी मायरा उससे बातें कर रही है। इधर आओ अपना लिप दिखो, ऐसे दिखो इसके हाथ में लगा हुआ था खून, नहीं ये खून निकलने लगा यहाँ से इसके और से, इसने ऐसे टच किया तो ये भी रोने लगी थोड़ी सी, इसने बिस्किट खाया था वो उल्टी में निकाल दिया। उस शिट फिर गिर गई। आप खेल रहे हो इसके साथ? कर लो बातें कर लो। इसकी आगे इसमें आगे फ्लाई करो, फ्लाई फ्लाई नहीं करो, मायरा के पास रहो, फ्लाई की पोज करो। चलो बेसन के लड्डू दिखा रही, कहाँ से आए, मेरे को भी देना है। कहाँ है? नहीं है और नहीं है, खत्म हो जाएंगे यार, हमारे को छींक पर मचा हुआ। गाइस मेरी आपको पता है थोड़ी देर पहले क्या हालत थी, मेरे को जो आज ज्वेलरी पहनी है अपनी, मेरी ज्वेलरी ही नहीं मिल रही थी पूरी अलमारी। अभी देखो मिली क्यों, जाके फिर करो ना शूट करो ना करो। अब ज्वेलरी मिल गई, मम्मी भूल गई है जसमीत की ज्वेलरी रख के, और अब मम्मी मुझे पूछ रही मेरी रिसेप्शन वाली शर्ट का है। मैंने कहा आपको मैंने और दीपू ने उतार दिया था रास्ते पे, मिल गई मिल गई, इधर की तरफ लाओ, मिल गई सामने, किसी का कुछ नहीं मिल रहा, किसी का कुछ नहीं मिल रहा, पागलपन मचा हुआ है के अंदर। मिल गई मम्मा, मिल गई सामने पड़ी थी, क्या कर रहे अब सब कुछ मिल गया है ना। बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, गोलगप्पे 10-12 खाए थे निकल रहे इसी का असर है। तो गाइस हम रेडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें जसमीत निकल गई है, मम्मी के पास पहुंच गई है, उसको उसका मेकअप करना है, स्टाइलिश बनाना है, गुंजन वहां रेडी हो रही है, मम्मी के रूम में मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। सो ओके जब निकलते हैं तब मिलती हूँ। मेरे बाल देखना, फोन आ रहा है। क्यों बोल रही है? ओ शिट। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वेन्यू पर, मेरी भी हालत देखो, ये मेरा भी हेयर स्टाइल होना है, और ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे आई हूँ, और मैं भी अपना फुल लुक दिखाऊंगी आपको, पीछे पहले गेट दिखाती हूँ ये है। चलो मिलते हैं, अब मैं कैमरा उधर कर देती हूँ।